नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आगामी त्योहारों रक्षाबंधन, मोहर्रम और कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर शांति और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे के मार्गदर्शन में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीओपी अभिनव कुमार बारंगे और थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बलों ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस ने उपद्रवियों को चेताया, लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाने की अपील की। जैसे त्यौहार नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कस्बे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। एक तरफ पुलिस शांति कमेटी की बैठक बुलाकर त्योहारों को सकुशल संपन्न करने की पहल कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च थाने से निकलकर मुख्य सड़क से मेन तराहा, नए बस स्टैंड और करेरा तराहे तक गया है। इस बीच पुलिस और प्रशासन ने लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए त्योहारों को हंसी खुशी मनाने की अपील की। कहा कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, साथ ही अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दिए। पुलिस आपके सहयोग के लिए दिन रात खड़ी है। फ्लैग मार्च में थाना भितरवार का समस्त पुलिस बल शामिल था। भितरवार से कृष्णकांत शर्मा की रिपोर्ट। नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्या कुछ निर्देश दिया गया था कि शाम 6 से 8 बजे के मध्य पुलिस पैदल फ्लैग मार्च निकालेगी, जिसका पालन में फ्लैग मार्च निकाला गया था। और जितने भी शहर के आम नागरिक थे, सामान्य जन लोग थे, उनसे शहर की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिए गए, हिदायत दी गई। जो भी दुकान के बाहर सामान रखे हुए थे, अनावश्यक तत्व थे, उनको हिदायत दी गई।